क्लास 10 की एक्सरसाइज 1, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, मतलब ये इंट्रोडक्शन सेशन होगा हमारा रियल नंबर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर इज द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन अ लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है हमारी, नंबर लाइन होती है कुछ इस तरह से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से -1, -2, -3 सो ऑन। मतलब एक नंबर लाइन होती है जिसमें हमारी मिडल वैल्यू होती है 0, और इस तरफ भी हम आगे तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, और इस तरफ भी जहां तक हमें पता है। तो वो सब होते हैं, इसको जो भी नंबर हमें लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर। तो यहाँ पर 0 भी रियल नंबर है, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3 या और भी जो नंबर्स आएंगे इस साइड में, और जो भी नंबर्स इस साइड में आएंगे वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स। इनको डिनोट किया जाता है सिंबल R से। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, इसको R से डिनोट किया जाता है रियल नंबर को। और रियल नंबर सिर्फ ऐसे ही नंबर नहीं होते कि सिर्फ 1, 2, 3 वगैरह हो गए। अगर हम बात करें 1.5, तो 1.5 को भी यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी वैल्यू है हमारी 2.3, तो 2.3 भी हमारी आ जाएगी 2 और 3 के बीच में, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स सच एज। रियल नंबर्स में सभी तरह के नंबर्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सो ऑन, आगे ये ऐसे ही चलते रहते हैं, तो वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सभी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर लाइन पर। उसके बाद आते हैं इसमें रियल नंबर्स में और कौन से नंबर्स आते हैं, व्होल नंबर्स। तो व्होल नंबर्स में क्या होता है, ये जो है 0 से शुरू होते हैं और 1, 2, 3, 4 सो ऑन, आगे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इनको भी हम सिंपल 0, 1, 2, 3 जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं सबको हम कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इरेशनल नंबर आता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, इनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पी बाई क्यू है, तो मान लेते हैं ये होगा 7/2। ठीक है, तो हमारी एक नंबर लाइन है जिसमें 7 फ्रैक्शंस बनाए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और कभी भी नीचे जो होती है मिनिमम वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम, ये गलत हो गया है, इसको हम लिख लेंगे 2/7। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, उसमें उसके हमने 7 हिस्सों में बांटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमें रिप्रेजेंट करना है 2/7 को, तो 2/7 क्या हो जाएगा, 1, 2, दिस इज 2 आउट ऑफ 7। तो 2/7 जो होगा वो होगा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी हम किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इरेशनल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जिसमें होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, 0। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3 सो ऑन। तो हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। और भी जो भी टाइप्स के नंबर होते हैं वो सभी जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकें वो सभी क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। तो ये जो भी हैं हमारे, ये क्या हैं,
रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम, रियल नंबर्स के बारे में, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट आता है या फिर इक्लूड डिवीजन लेमा या इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह है, उस सभी पर हमारा चैप्टर नंबर 10 है। उसी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज का आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है।